आज हम लोकप्रिय अभिनेता ऋतिक रोशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ऋतिक रोशन सबसे लोकप्रिय भारतीय अभिनेता और मशहूर हस्तियों में से एक है और फिल्मकार राकेश रोशन के बेटे हैं। उन्होंने कई पत्रों को चित्रित किया है और उनकी नृत्य क्षमता के लिए जाना जाता है। वह भारत के सर्वोच्च भुगतान करने वाले कलाकारों में से एक है और उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार सहित 6 फिल्मकार पुरस्कार जीते हैं। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को प्रमुख मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ था, जिसे हम बॉलीवुड परिवार भी कह सकते हैं। मतलब उनके पिता फिल्म निर्देशक राकेश रोशन, संगीत निर्देशक रोशनलाल नागराज के पुत्र है। उनकी मां पंकी निर्माता और निर्देशक जय ओम प्रकाश की बेटी है। उनके चाचा राजेश एक संगीतकार है। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिक स्कूल से हुई। ऋतिक रोशन पंजाबी जरूर है, लेकिन वो हिंदुत्व की प्रथा को मानते हैं। वह कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं मंदिरों की यात्रा नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि एक महाशक्ति है। ऋतिक रोशन को एक अलग बच्चे के रूप में महसूस होता था, क्योंकि उनका जन्म उनके दाहिने हाथ पर एक अतिरिक्त अंगूठे के साथ हुआ था। ऋतिक ने फैसला किया कि वह एक पूर्णकालिक अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने जोर देकर कहा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे। रोशन ने सिनेम कॉलेज में भाग लिया, जहाँ उन्होंने पढ़ाई करते हुए नृत्य और संगीत समारोहों में हिस्सा लिया। वाणिज्य में स्नातक किया। रोशन ने अपने पिता की 4 फिल्मों खुदगर्ज, किंग, चाचा, करण अर्जुन और कोयला में सहायता की। पैकअप के बाद ऋतिक कोयला से शाहरुख खान के दृश्य को देखकर उनके जैसा बनना चाहा और एक अभिनेता के रूप में अपने प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेने के लिए खुद को तैयार किया। जब उन्होंने अपने पिता की मदद की, तब उन्होंने किशोर नीति कपूर के अधीन अभिनय का अध्ययन किया। अब बताते हैं हम आपको ऋतिक रोशन के करियर के बारे में। ऋतिक ने अक्सर अपने पिता को सहयोग किया है। उन्होंने 1980 के दशक में कई फिल्मों में बाल अभिनेता के रूप में संस्कृत प्रदर्शन किए और बाद में अपने पिता की 4 फिल्मों में सहायक निदेशक के रूप में काम किया। उनकी पहली फिल्म प्रमुख भूमिका वाली है और बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाली फिल्म कहो ना प्यार है, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। 2000 में आतंकवाद नाटक फिजा में प्रदर्शन और 2001 में फैमिली फिल्म की कभी खुशी कभी गम उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती हुई, लेकिन इसके बाद उन्हें कई खराब फिल्में मिली। 2003 की विज्ञान कथा फिल्म को मिल गया, जिसके लिए रोशन ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स को जीता। यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह अपनी अद्वितीय सफल स्कीफल में भी दिखाई दिए, क्रिश और क्रिश 3। उन्हें 2006 के समय फिल्म धूम 2 में चोर के चित्रण के लिए ऐश्वर्या राय के साथ, 2008 के ऐतिहासिक मुगल सम्राट अकबर के रोमांस में जोधा अकबर और 2010 में फिल्म गुजारिश के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। आगे की सफलता 2011 में कैटरीना कैफ के साथ फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, 2012 में प्रियंका चोपड़ा के साथ आई फिल्म अग्निपथ और 2014 के एक्शन कॉमेडी बैंग बैंग में साथ हुई थी। 20 दिसंबर 2000 को रोशन ने बेंगलोर में एक निजी समारोह में सुजाना खान से शादी की। उनके धार्मिक अंतर के बावजूद रोशन एक हिंदू है और खान एक मुसलमान है। रोशन का कहना है कि उन्होंने अपने विश्वासों के समानता की है। इस दंपति के 2 बेटे हैं, हरहन और हरिहान।